हुई है। सुनिए ध्यान से, महाजनपदों का उदय। देखो कह रहा है कि बुद्ध भगवान के जन्म के पूर्व यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 भारतवर्ष जो था ना, भारतवर्ष वो 16 महाजनपदों में बटा था, यानी 16 हिस्से में बटा था। और इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ, क्या नाम है इसका, अंगुत्तर निकाय से मिलती है। यानी एग्जाम में पूछ ले कि आपको ये महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो एक बौद्ध भगवान का ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर, वहाँ से जानकारी मिलती है। और हमारा जो भारत था पहले 16 महाजनपद में बटा था, यानी 16 पार्ट में, डिवीज़न में कह सकते हैं, जैसे रेलवे बटा हुआ रहता है ना, वैसे ही बटा हुआ था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व यह बताया गया है, भगवान बुद्ध के जन्म के पहले। एक मैप आपको दिख रहा होगा, भारत का मैप, जिसमें कुछ जगह है जैसे मगध है, वास्ता है, चेत्या है, अवंती है, मत्स्य है, अशाका है, माला है, विरजी है, पंचाला है, कुरु है, गंधारा है, कंबोजा है, बहुत सारा है। ठीक है, इस मैप पे आप देखोगे ध्यान से तो इस मैप में बहुत सारी जानकारी हिडन है, छुपी हुई है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, देखिएगा ध्यान से, तो ये बहुत सारा एरिया है, कुछ भारत में है, कुछ आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान में चला गया है। अब पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान थोड़ी था, जिस वक्त का आप ये जानकारी ले रहे हो इस वक्त पाकिस्तान वगैरह नहीं था। ठीक है, ये बहुत पुरानी बातों को आप जान रहे हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सेकंड आपका जो ग्राफ दिखाया है वो ग्राफ में जाइए, मिला सेकंड ग्राफ सभी को, ये पूरा आपका जो 16 का 16 महाजनपद है जो कि मैप पे दिखाया गया है, ये मैप पे आप देखिएगा तो आपको याद होगा, क्या होगा आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला देखेंगे क्या नाम है, कंबोज, कहाँ पर है, पाकिस्तान में। वो जो मैप का जिस एरिया में बना हुआ है वो एरिया भी तो पाकिस्तानी में ना लग रहा है देखने का। गंधार, गंधार कहाँ पर है आपका, पाकिस्तान में है। तीन नंबर क्या है, कुरु, कुरुक्षेत्र जो बोलते हैं ना, कुरु इंद्रप्रस्थ बोलते हैं उसको, दूसरा नाम है अभी का है, दिल्ली हरियाणा में है। चौथा में आपका पंचाल है जो कि आपकी बरेली में है। इसके बाद आपका है कौशल, क्या है, कौशल जो कि श्रावस्ती में है, कहाँ पर है, श्रावस्ती फैजाबाद यूपी में पड़ती है। नेक्स्ट आपका जो है मल्लन जो कि कुशीनगर में है, कहाँ है, यूपी में, कुशीनगर यूपी में है, पता है सभी को। इसके बाद काशी है जो कि बनारस में है, आपको पता है। बज्जी वैशाली बिहार में है, ठीक है। अंग चंपा बिहार में है। मगध आपकी राजगिरी पटना बिहार में है। वत्स आपकी कौशाम्बी में जो कि यूपी में पड़ती है। 12 नंबर पड़ता है अस्मक जो कि आपकी पोटली जो कि गोदावरी क्षेत्र में पड़ता है। 13 नंबर आपका कहाँ है, मत्स्य जो कि विराटनगर जयपुर में राजस्थान में है। 14 नंबर मथुरा जो कि यूपी में होगा, लिखा हुआ नहीं है बट आपको पता ना मथुरा यूपी में पड़ती है, किस नदी किनारे पड़ती है, यमुना नदी कि सरयू है, कन्फर्म गलत हो गया ना, अयोध्या किस नदी पर है, तो कन्फर्म तो हम गलत हो गए। 15 में क्या बोल रहा है, अवंती, अवंती क्या है, ये भी यूपी में है, एमपी में सॉरी, और चेदी जो कि एमपी में। तो ये 16 का 16 है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके याद करना होगा एक बार में, और हाँ नीचे भी दिया हुआ है, हम बताएंगे आपको। एक और आप देखोगे 600 BC का जो मैप था ना हमारा इंडिया का, वो बिल्कुल इस तरीके से दिखता था, दिख रहा है 16 महाजनपद दिख रहा है ना आपको, तो थर्ड मैप आपको जो दिखाई दे रहा है जो हम सामने दिखा रहे हैं, तो इस मैप में देखोगे कंबोजा, गंधारा, कुरु, पंचाला, कोसाला, माला, बर्जी, काशी, मगधा, चेत्या, बत्सा, सुरसेना, मत्स्य, अवंती, अशाका, जो भी है इसको आप जो देख रहे हो ये 600 BC का ओरिजिनल मैप है। अब ये भारत का मैप लाओगे तो उसमें ये सब नहीं दिखेगा, बट ये 600 BC का मैप है। इस मैप में पूरी जानकारी दी गई है आपको कि मैप में भारत ऐसा दिखता था, बट धीरे 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 पॉलिटिकल जैसे डेवलपमेंट होगा टूटेगा ही, तो टूट चुका है। आपसे एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जाता है, ये जो लिस्ट दिख रहा है ना आपको,
कि महाजनपद की राजधानी कहाँ है और कहाँ स्थित है। 16 का 16 आपसे नहीं पूछा जाता है। आज तक एग्ज़ाम में जितना भी हम पेपर दिए हैं या कुछ भी रिवीजन किए हैं या पढ़े हैं कहीं भी लाइफ में, उसमें कौन चीज़ कहाँ पूछा गया वो आपको बताते हैं, ठीक है। उसमें कौन सा चीज़ कहाँ पूछा गया है, मतलब किस एग्ज़ाम में है वो हम बताते हैं कौन सा है। जैसे आपको अंग चंपा भागलपुर, ये हम अभी तक एक आध बार देखे हैं, किसी भी पेपर में देखे होंगे हार्ड। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है, चंपा, जो कि अभी कहाँ पर स्थित है, भागलपुर मुंगेर बिहार में, ठीक है। अंग अंग, ठीक है। मगध आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपकी गिरिब्रज में, राजगृह में है, जो कि पटना गया बिहार में है, सभी को याद रहेगा। काशी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बनारस में, बनारस के आसपास का क्षेत्र में इसमें आता है। ये क्वेश्चन भी हम पेपर में देखे हैं, वत्स, क्या जी, वत्स, जो कि कौशाम्बी में है और इलाहाबाद में स्थित है। बज्जी भी हम एग्जाम में पेपर में देखे हैं, आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे वो आगे मालूम चली जाएगा, जो कि वैशाली मिथिला में स्थित है, मुजफ्फरपुर में है। कौशल श्रावस्ती में भी है, फैजाबाद में, इतना तक तो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अवंती, जो कि आपकी महिष्मती मालवा क्षेत्र में पड़ती है। मल्ल जो है, इसकी राजधानी क्या है, कुशावती, जो कि देवरिया में पड़ती है, जो कि यूपी में है। पंचाल एग्जाम में ये सब नहीं आया, मल वगैरह, ठीक है, पंचाल भी नहीं आया। पंचाल जो कि अही छद्र में है, जो कि बरेली में स्थित है। चेदी शक्तिमती में है, जो कि बुंदेलखंड में है। कुरु इंद्रप्रस्थ आपकी आधुनिक नई दिल्ली में है। मत्स्य विराट नगर में, जो कि जयपुर में है। कम्बोज हटक, जो कि हजारा पाकिस्तान में है। सूरसेन मथुरा में है, जो कि मथुरा में है। अस्मक जो है पोटली, जो कि गोदावरी नदी के क्षेत्र में पड़ता है, एकमात्र जनपद है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, गोदावरी नदी क्षेत्र में पड़ने वाला, उसका नाम है अस्मक, क्या है, अस्मक। गंधार जो कि तक्षशिला में, ये भी एग्जाम में कई बार आया है, जो कि रावलपिंडी पेशावर पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो ये 16 का 16 महाजनपद में से आपको कम से कम 5 महाजनपद मुंह पर रहना चाहिए। जैसे कि फिर से बताते हैं कौन कौन सा है, अंग, मगध, काशी, बज्जी, बत्स, कौशल, 6 हो गया। इसके बाद आप आ जाइए नीचे से, आपका गंधार, ये 7वां हो गया आपको, और एक और कौन सा था, अवंती, ठीक है, ये 8, यानी 16 में से 8 आपको हमेशा आपके मुंह पे होना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन से होगा ये आपको याद, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगता है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको लग जाए, बट कोई ट्रिक नहीं लगता, आपको मल्टीपल रिवीजन करना होगा, घर पे चिपकाना होगा, थोड़ा पूजा पाठ करना होगा इसका, एक बार कीजिएगा, दो बार कीजिएगा तो याद हो जाएगा। और बाकी बचा मेरे पास, तो हम आपको पूछ पूछ के याद करवा देंगे, जैसे हम पूछ लें, बस इतने पूछेंगे कि ये बज्जी कहाँ है जी, बज्जी की राजधानी क्या है, बज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली है। मिथिला मुजफ्फरपुर, जो कि वैशाली मुजफ्फरपुर में पड़ता है ना, दरभंगा में, ओके। हम आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए मगध की राजधानी क्या है, राजगृह है, जो कि गया बिहार में है। काशी की राजधानी क्या थी, बनारसी थी, जो कि कहाँ थी, यूपी में है। बत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी। अब बज्जी की फंसा दिए, देखो बत्स हम इसलिए पूछ रहे हैं, बत्स की राजधानी कौशाम्बी, बज्जी की राजधानी वैशाली, ओके ओके। कौशाम्बी कहाँ पर है, यूपी में, अब वैशाली कहाँ, बिहार दरभंगा में, कहाँ, बिहार दरभंगा, कहीं बोल सकते, कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछे अवंती की राजधानी क्या है, उज्जैन, उज्जैन छिपरा नदी किनारे है ना, तो उज्जैन है, महिष्मती भी बोलते हैं, बाहुबली यहीं से बना था क्या। उसके बाद बोल रहा है कि मालवा, क्या है, मालवा, इस जो कि अभी यूपी में पढ़, सॉरी एमपी में पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, ये ऊपर से 7 और नीचे से 1, कम से कम आपके पास याद होनी चाहिए, जो कि अभी आपको याद करनी है। तो हम रिकैप करवाते हैं, थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, थोड़ा बहुत आप कर लीजिएगा। अंग की बात करें तो अंग कौन सा आपका है, चंपा, ठीक है। मगध की बात करें तो क्या गिरा दिए जी, उठा लो, भागलपुर, मगध भागलपुर में कब से चला गया, राजगीर है राजधानी,
काशी की राजधानी क्या थी? वत्स की राजधानी, वत्स की राजधानी, बज्जी की राजधानी वैशाली, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अवंती की राजधानी उज्जैन, गंधार की राजधानी तक्षशिला। इतना आपको हमेशा याद रखना, हम पूछेंगे दोबारा, आप इसको पढ़िएगा। मेन इसमें कुछ था नहीं, आपको बस पढ़ना है। तो ख़त्म करते इसको।